सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघ और आजाद हिंद संस्था ग्राम पंचायत धवलसरी गांव तालुका नानगांव खंडेश्वर जिला अमरावती में शिव जयंती तथा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला अलैह की छठी शरीफ के उर्स के अवसर पर शुक्रवार को विदर्भ अध्यक्ष पीस एम्बेसडर साजिद अली सईद अली द्वारा दूसरी बार भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में लगभग 75 लोगों ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी कुंभारे, विदर्भ अध्यक्ष साजिल खान, उपाध्यक्ष सरफराज खान, सैयद अशरद, अब्दुल काशिफ, तंजिल अहमद आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कोरोना काल में योगदान देने वाले लोगों का सत्कार तथा सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर अतर खान कार्यकारिणी अध्यक्ष एकेपी न्यूज, वागमारे मैडम पटवारी, रंजना वसंतराव मान के अंगनवाड़ी सेविका, नासिम बानो, नसरुल्ला खान अंगनवाड़ी सेविका, मीरा महादेव मान के आशा वर्कर, इन सबको सम्मान पत्र देकर सत्कार किया गया। अमरावती शहर के स्थानीय शारदा नगर में बुधवार की शाम यहां के व्यवसायी मुकेश लुनिया के 4 वर्षीय बच्चे नयन लुनिया का अपहरण किया गया था। आखिर इस अपहरण कांड में स्थानीय अपराध शाखा व राजापेट पुलिस को केवल 36 घंटे में सफलता मिली है। पुलिस ने अहमदनगर की ग्रामीण पुलिस की सहायता से अपहरण करने वाली युवती समेत अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं तो अमरावती शहर से गई पुलिस की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद अहमदनगर से 1.5 किलोमीटर दूर कोटला झोपड़पट्टी स्थित एक कमरे में कैद कर रखे नयन को आखिर आजाद करने में सफलता प्राप्त की है, जिससे शहर में खुशी की लहर है। अमरावती शहर में कोरोना का नया म्यूटेशन ट्रेन पाए जाने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कोरोना के नए जनुकीय बदलाव के सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ओर से भेजे गए हैं। NIV की ओर से सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कोरोना का हकीकत में कौन सा ट्रेन है यह साबित होगा। यह नया ट्रेन पाए जाने के कारण हड़कंप मच गया है। ऐसी जानकारी NDTV द्वारा प्राप्त की गई है। महाराष्ट्र में इस ट्रेन के नए केसेस मिलने की जानकारी सामने आई है। 11 माह से निरंतर कोरोना अपनी पकड़ बनाए हुए था। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती गई वैसे ही जन सामान्य लोग अपनी जिंदगी पहले जैसे जीने लगे, मगर फिर भी कोरोना अपनी पकड़ बनाए हुए था। कोरोना का प्रादुर्भाव कम होने से लॉकडाउन खत्म हुआ था, मगर प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन को नागरिकों ने हल्के में लिया और नागरिकों ने यह मान लिया कि कोरोना अब खत्म हो चुका है। प्रशासन द्वारा नागरिकों को बार बार नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही थी, मगर नागरिक सरेआम नियमों का उल्लंघन करते नजर आए, जिसका खामियाजा अब सबको भुगतने की नौबत आन पड़ी है। चांदूर बाजार में गुटखा बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा इसे जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। गुरुवार 18 फरवरी को स्थानीय अपराध शाखा टीम के अचलपुर डिवीजन में गश्त के दौरान प्राप्त गोपनीय जानकारी के अनुसार चांदूर बाजार थाना क्षेत्र के खारला निवासी उमेश रामेश्वर जगताप, उम्र 36 वर्ष, इनके घर पर छापा मारा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गुटखा के अवैध भंडारण के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तथा आरोपी को भी हिरासत में लिया गया।